मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, और जो गांव वाले होंगे स्पेसिफिकली जो मुझे लगता है ऐसा कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल साइड के लोग होंगे ज़्यादा रिलेट करेंगे, और वैसे भारत के हर गांव का बच्चा या जो भी पला बड़ा है गाँव में वो रिलेट कर ही लेगा एक बार को। ये आपको मिट्टी के चूल्हे दिखा रहा हूँ मैं, और बच्चे अक्सर बनाते हैं, गाँव में बनता है, और जब तक गैस सिलेंडर नहीं बटा था गाँव में तब तक इसी पर खाना बनता था, और क्या पता अभी भी जहाँ तक नहीं पहुँचा होगा जिस गाँव तक वहाँ भी इसी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है। और इसका प्रयोग कैसे करना है, कैसे पकाना, क्या करना है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। महिलाएं जानती थी, पुरुष जानते थे, उस गांव का हर एक निवासी जानता है। तो फोटो देख के समझ गए होंगे कि बहुत बेसिक चीज़ है। अब मैं उस बात से रिलेट करना चाहता हूँ जो अभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को देखने तक रुक जाना। तो मैंने एक बात हर बार आपसे कही है, अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने हमारी सभ्यता, हमारे ग्रंथ, हमारी किताबें, हमारी इकनॉमी, हमारा धन, सब कुछ यहाँ आए रहे, यूज़ किया, हमें एग्जॉस्ट किया, लूट के जो उनके काम लायक लगा ट्रांसलेट करके ले गया, जैसे भी ले गया। ये चीज़ अंग्रेज़ों ने भी की, मुगलों ने भी की। खैर अब पॉइंट पे आते हैं। तो एक मुझे टिकटॉक पे एक वीडियो देखी, वो मैं वीडियो दिखाऊंगा, और उसका इंग्लिश में जिस तरीके से उसने बोला है लिटरली उसको सुन के हंसी आ गई मुझे, उसने क्या किया, इसलिए मैंने उसको पूरा देखा समझा, हमने माथे पे हाथ रख लिया कि भाई ये चीज़ें लोग करते हैं। इससे पहले मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा था कि लोग इतना कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से मसाला मिर्च मसाला लगाते हैं। आपने पहले कभी सुना होगा कि जैसे कभी किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, होटल होटल में, तो तड़के वाली दाल को ही वो लोग ऐसे ऐसे शब्दों से डिफाइन करते हैं इंग्लिश में कि आपको लगेगा क्या कुछ स्पेशल डिश आने वाली है, और ला के रख देंगे छोटी सी चीज़। समझ में आ रहा है, वही चीज़ हो रही है। मैं चाहता हूँ वो वीडियो पूरी देखना, और ना रिलेटेबल लगे तो डिसलाइक कर देना, और रिलेटेबल लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर करना। It all starts with making a U-shaped platform using bricks. Across this first layer, you place a screen to hold your tender. Next comes a second U-shaped layer, and then three layers that go all the way around. It's like a miniature chimney. All right, perfect. The really cool thing about this stove is the fuel it burns. You just use little tiny sticks and limbs that you can find in your backyard. You start by putting tinder on the screen platform, then just shove sticks right into the chimney top. And now we're just gonna light the tinder on fire and let the stove do its magic. Once the fire really gets going, you wanna feed it from the front, just like this. And you can see the flames already shooting out the top. How does it work? Simple. As the hot air from the tinder rises, it sucks cold air in through the bottom, which in turn fans the flames. That's... खैर मैं हर बार ये कहता हूँ कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जिनके एजुकेशन सिस्टम पे हम आज चल रहे हैं उन्होंने अपना बदल के हाईटेक नेक्स्ट जनरेशन का कर लिया है, और हम अभी भी उस मानसिकता से गुजर रहे हैं कि हम नौकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मालिक नहीं। और हमारे यहाँ से लोग जा के दूसरे यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी चला रहे हैं, और हमारे यहाँ एक कोई गूगल नहीं बना सकता, कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सकता। अगर हमारे पास इतना दिमाग है कि हम बाहर चला सकते हैं, तो हमारे पास इतना भी दिमाग है कि हम यहाँ भी बना सकते हैं। हमारा इतिहास कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दुनिया को दी हैं, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लोग अपने ही कल्चर को, अपने ही किताबों को, अपने ही ग्रंथों को पढ़ लें, तो इन लोगों से, इन मूर्खों से तो कई गुना आगे निकल सकते हैं। मैं दो वीडियोज़ और लेके आऊँगा जो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।